लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बैटल ऑफ प्लासी की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं कि मीर कासिम और ट्रीटी और जो 1760 की जो ट्रीटी थी उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके लेट स्टार्ट। सो मीर जाफर जो था वो इंक्रीजिंगली इरीटेट हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे क्लाइव और ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। तो ही एंटर फिर उन्होंने डच के साथ वो मिलते हैं चंसूरा के अंदर और एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि यार हमें ना बचाओ इनसे, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, उन्होंने हमें बिठा तो दिया गद्दी पर लेकिन अब हमें जीने नहीं दे रहे। बट द डच वर डिफीटेड एंड हम्बल्ड बाय द इंग्लिश फोर्सेस। बट डच ऑलरेडी डिफीट हो चुके थे बेदारा के ऊपर नवंबर 1759 में। द ट्रेजडी ऑफ मीर जाफर एंड हिज फेलियर टू मेक द पेमेंट्स ड्यू टू द कंपनी। और इससे क्या हुआ, काफ़ी इंग्लिश ने इन सब हरकतों की वजह से इंग्लिश पर्सन को मीर जाफर ने बहुत इनॉय किया। तो मीनवाइल मीरान जो था सन ऑफ जफर ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो गई थी एंड देयर स्टार्टेड अ फाइट फॉर द नवाबशिप ऑफ बंगाल बिटवीन मीर कासिम में और उसके सन इन लॉ मीर जफर में, जो कि मीरान्स का बेटा मतलब मीर जफर एक तो वो था जो रूल कर रहा था और उसके पोते का नाम भी मीर जफर था। तो मीर जफर चाह रहा था कि मैं बन जाऊँ गद्दी पे और मीर कासिम बोल रहा था मैं बन जाऊँ। तो वंस तिरथ जो थे एक न्यू गवर्नर थे कलकत्ता के, उन्होंने एग्रीड कर दिया कि सपोर्ट मीर कासिम क्लेम आफ्टर अ ट्रीटी बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी वाज साइंड इन 1760। उन्होंने बोला कि